तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज जो मैं मूवी लेकर आया हूँ उसका नाम है देसी बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक लकड़ी के टुकड़े पर तैर रहा होता है, जिसका नाम जैकब होता है। और तभी दूसरी तरफ हमें चिल्ड्रन हाउस में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को कहानियाँ सुना रही होती है। और फिर वह चिल्ड्रन हाउस से भाग जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें कुछ समुंदर हंटर को दिखाया जाता है जिसके कैप्टन जो कि रेड नाम के जानवर का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि उनके साथी का जहाज खतरे में है और जैक अपने कैप्टन को कहता है कि हमें उन्हें बचाना चाहिए। तभी वह उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाते हैं जहां पर वह राक्षस उनके जहाज की तरफ अटैक कर देता है और हंटर भी उस पर हमला करने लगते हैं। तभी जैक एक भाले से उस जानवर के सर पर वार कर देता है जिसके कारण वह कहराने लगता है। और यह देखकर कैप्टन अपने भाले से सीधा उसके चेस्ट पर वार कर देता है और फिर वह उसका सिंग काट लेता है और वापस अपने राज्य में जाने लगता है क्योंकि उनका जहाज को भी काफ़ी हानि हो चुकी होती है। तब कैप्टन उन्हें कहता है कि हम रेड का शिकार करने के लिए वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें राज्य से अपना इनाम और अपने जहाज को ठीक कराना होगा। फिर वह राजा के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हमने एक राक्षस को मार दिया है और आपको हमें इनाम देना चाहिए, लेकिन राजा मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें रेड नाम के राक्षस को मारना चाहिए था और तुम इसे मारकर लेकर आए हो और पहले तुम्हें उसे मारकर आओ, फिर मुझसे मिलो। और फिर वह जब समुंदर में जा रहे होते हैं तो कैप्टन उन्हें कहता है कि आखिरी बार जश्न मना लो। और फिर वह शराब की बड़े बड़े ड्राम लेकर आते हैं और जब उन पर नल लगा रहे होते हैं तभी एक ड्राम में से हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और फिर जैकब उसे लड़की को कहता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए और यह रास्ता बहुत खतरनाक है और हमें तुम्हें अगले लैंड पर उतार देंगे। तभी वहां पर कैप्टन आता है और उसे उस लड़की को कहता है कि तुम इस जहाज पर रह सकती हो। और फिर वह अपने एक सैनिक को उसे हथियार चलाना सिखाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कैप्टन समुद्र में वह राक्षस दिख जाता है और वह उन पर हमला कर देता है। जैक उस लड़की को उठाकर एक कमरे में छोड़ देता है और उसे खिड़की से दूर रहने के लिए कहता है। तभी कैप्टन उस पर एक भाला फेंक देते हैं जो कि एक रस्सी से अटैच होता है और फिर वह जानवर जहाज को खींचने लगता है और वह जहाज को पानी के नीचे ले जाने लगता है और यह देखकर वह लड़की उस रस्सी को काटने लगती है और उसे कैप्टन इसके लिए मना कर देता है, लेकिन फिर भी वह लड़की उस रस्सी को काट देती है और जहाज छूट जाता है। लेकिन इसके कारण जैकब और वह लड़की पानी में गिर जाते हैं और फिर जैकब किसी तरह एक छोटी नाव पर आ जाता है और फिर कैप्टन जैकब को उस लड़की को अपने पास लेकर आने के लिए कहता है, लेकिन जैकब मना कर देता है और कैप्टन उस पर बंदूक कर देता है। तभी राक्षस उन दोनों को अपने
माउथ में निगल लेता है। फिर हमें कुछ समय बाद जैकब को दिखाया जाता है जो कि उस राक्षस के माउथ के अंदर जिंदा होता है और उस लड़की को कहता है कि हमें यहाँ से किसी तरह से निकलना होगा। फिर वह उस राक्षस की नाक में पहुँच जाता है और वह देखता है कि वह समुंदर के अंदर है। तभी राक्षस एक आइलैंड पर पहुँच जाता है और उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। फिर जैकब अपनी छोटी सी नाव से समुंदर का रास्ता तय करने की सोचता है। जब वह समुंदर के अंदर जाता है तभी उन पर एक बीस्ट हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेड बीस्ट आ जाता है और उससे उस राक्षस से लड़ता है और उसे भगा देता है। फिर वह लड़की उस राक्षस के पास जाती है और उसे उनकी मदद करने के लिए कहती है और वह मान जाता है। फिर जैकब उसे उस बीस्ट को कहता है कि तुम हमें इस आइलैंड पर छोड़ दो। और जब वह उन्हें उस आइलैंड पर छोड़ता है तब वह बीस्ट वहां पर राजा के सैनिकों का जहाज देखता है और उस पर हमला कर देता है, उस जहाज को ख़त्म कर देता है। तभी हमें आसमान में लाल रंग की लाइट को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि कैप्टन वहां आ चुका है और यह देखकर बीस्ट उन पर हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन कैप्टन उस पर उसे एक ही हमले से हरा देता है। और फिर वह कहता है कि इसे मत मारो, हम इसे जिंदा लेकर जाएंगे। और वह उसे बांधकर राजा के सामने ले जाता है और वह राजा को कहता है कि मैंने रेड बीस्ट को पकड़ लिया है। तभी हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जो कि उस बीस्ट की रस्सियों को काट देती है। यह देखकर राजा उस बीस्ट को मारने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की उसके ऊपर चढ़कर उन्हें न मारने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये लड़ाई कभी भी इन जानवरों ने शुरू नहीं की थी, ये सब इंसानों ने किया है और इस सब के जिम्मेवार राजा रानी है। और फिर राजा रानी वहाँ से चले जाते हैं और जैकब उस बीस्ट के सामने आकर भाला तोड़ देता है और कहता है कि आगे से हम शिकार नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।